ओए अरे ओगने कदी किछो अरे ओगने रुक 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 अरे ओगने अरे बालूगंज क्रॉसिंग के पास फिर से हुए भूस्खलन से चौड़ा मार्ग पर बने रेन शेल्टर के धंसने घटना सामने आई है। ऐसे उक्त क्षेत्र में भारी आपदा को देखते हुए सुबह 11 बजे उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता कार्यालय में आपातकालीन बैठक 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसमें भूस्खलन की जद में आए हुए भवनों के अधिकारी आपातकालीन बैठक में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे, जिनमें खास तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, दीपक प्रोजेक्ट, मृदा जांच कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, स्टेट जियोलॉजिस्ट पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि उक्त स्थान पर भारी भूस्खलन होने से आसपास के क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बालूगंज से क्रॉसिंग होते हुए जाने वाला यातायात अब वाया चक्कर से होकर भेजे जा रहे हैं। वहीं बालूगंज से चौड़ा मैदान जाने वाले वाहन वाया समरहिल होकर भी जा पा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि सड़क बहाल होने तक वैकल्पिक व्यवस्था में पूरी तरह सहयोग करें। इसके अलावा कार्यालय, स्कूल आने जाने वाले भी नई यातायात व्यवस्था के साथ सहयोग करें। इसके अलावा लोग अपने गंतव्य तक एडवांस में निकलना सुनिश्चित करें। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बालूगंज से क्रॉसिंग होते हुए जाने वाला यातायात अब वाया चक्कर से होकर भेजे जा रहे हैं। वहीं बालूगंज से चौड़ा मैदान जाने वाले वाहन वाया समरहिल होकर भी जा पा रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि सड़क बहाल होने तक वैकल्पिक व्यवस्था में पूरी तरह सहयोग करें। इसके अलावा कार्यालय, स्कूल आने जाने वाले भी नई यातायात व्यवस्था के साथ सहयोग करें। इसके अलावा लोग अपने गंतव्य तक एडवांस में निकलना सुनिश्चित करें।